माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आफ्टर ऑल मैं इतने दिनों से कहा थी कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाई। सो ड्यू टू सम रीजंस आई वॉज नॉट एबल टू गिव अ वीडियो। आई होप कि आगे ऐसा ना हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज है वेंसडे का दिन, तो आज हम लोग जिस रीडिंग को करेंगे वो होगा आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके, तो बेसिकली पहले कि हम लोग रीडिंग स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत लोग सोचते हैं या ऐसा उनके माइंड में है कि थर्ड पार्टी का मतलब होता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थर्ड पार्टी हो सकते हैं, बट कोई और पर्सन भी हो सकता है जो कि लाइक आपके रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो। इवन फॉर दैट मैटर कोई सिचुएशन भी हो सकता है। ये हमारी जनरल रीडिंग है, थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक वॉट रेजोनेट्स, लीव वॉट डजेंट। ओके, आपको इन दो पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। ये व्हाइट पाइल है, ये पिंक पाइल है, आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर व्हाइट पाइल एंड सी कि हमारे व्हाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीजें आती हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर एंड योर थर्ड पार्टी। ओके, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज है। ओके, तो कुछ चीजें। ओके, बहुत सारे लोगों के थर्ड पार्टी के बीच में जो चीज़ें थी, ओके, जो कम लेवल पे थी, या अगर आप लेके चलते हो कि कम बात होता था या कम चीज़ें शेयर हो रही थी ड्यू टू एनी रीज़न, वो ना फिर से इंक्रीज होने की तरफ जा रहा है। ओके, एक इन लोगों के बीच में आपस में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक आपको आपके कंट्रोल में आती हुई नज़र आ रही होंगी, वो फिर से वापस जा रहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये हुआ है ना कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर फिर से एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, और इस बार ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये कहते हों कि हाँ, वो थर्ड पार्टी जो है वो मेरे से काम के लिए जुड़े हैं या मेरे से किसी रीज़न के लिए जुड़े हैं, मगर इट्स मोर दैन ओनली फ्रेंडशिप, इट्स मोर दैन ओनली, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं मतलब है। ओके, एंड जो स्टैंड लेना होता है या थर्ड पार्टी के लिए कुछ करना या अपने लिए कुछ करना, तो वो चीज़ें भी मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के लिए चीज़ें ही और शी हैज़ बीन डूइंग। आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के लिए चीज़ें कहीं ना कहीं कर रहे हैं। इन लोगों के बीच में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग टाइप का सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट में अगर ये लोग कम चीज़ें शेयर करते थे तो ज़्यादा करेंगे। इन लोगों के बीच में जो खराब हो गई थी चीज़ें, उसका ये लोग थोड़ा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, कि हाँ चलो देखते हैं अभी कैसे सिचुएशंस को सही किया जा सकता है। इतना होपलेसनेस आ गई थी आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी या दोनों के ही आपसी रिश्ते में या जिंदगी में, एक तरीके से कहो तो इतने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ गए थे जिसके वजह से इन दोनों के बीच में चीजें सही नहीं चल रही थी। बट अभी एज ऑफ नाउ कमिंग टाइम में या अभी आने वाले समय में चीजें मुझे करेक्ट होती नजर आ रही हैं। इस थर्ड पार्टी की वजह से फैमिली रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अभी देखिए, आप कहोगे कि मैम अगर वो पर्सन ही फैमिली का पर्सन है तो फैमिली रिलेशन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो दूसरे बंदे हैं ना घर के, मतलब और भी तो लोग होंगे, परिवार में एक इंसान तो रहता नहीं, और भी लोग होते हैं, उनके साथ इस थर्ड पर्सन के वजह से आपके पार्टनर के लाइफ में या आपके पार्टनर के जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी। एक अच्छा हैप्पी फैमिली कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लमैटिक होता हुआ नजर आएगा।
ये थर्ड पार्टी एनर्जी के वजह से आपके पार्टनर की जो पर्सनल लाइफ है, उनके फैमिली के साथ जो लाइफ है या जो चीज़ें वो एंजॉय करते हैं, उन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर और थर्ड पार्टी के अंदर एक चीज़ है कि इन दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बस और बस मनी के बारे में सोचता है, ये सोचता है कि हाँ ये पर्सन के साथ रहने से तो फायदा है, ये पर्सन तो इतना रिच है या इतने पैसे मुझे मिलेंगे या इतना पैसा इस पर्सन के कंट्रोल में है और उस पैसे के ऊपर और किसी का कोई लेना देना नहीं है। जिनका लेना देना है वो अभी भी किड्स हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं। ओके, तो समवेयर ये पूरी सिचुएशन में ना अगर आप देखते हो तो मनी बहुत मैटर कर रहा है। ओके, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हो ना हो बहुत मुश्किल जब उनकी ज़िंदगी चल रही थी तब थर्ड पार्टी ने काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी सिचुएशंस को सही करने की कोशिश करी, तो आज आपके पार्टनर किसी भी थर्ड पर्सन से लड़ने को तैयार हैं फॉर दिस थिंग, थर्ड पार्टी किसी से भी लड़ जाएंगे। ओके, मगर इस पर्सन से नहीं लड़ेंगे, बिकॉज देखिए इन लोगों की दोस्ती काफ़ी पुरानी दिखा रही है। जब ये स्ट्रगल कर रहे थे तभी ये पर्सन इनके आजू बाजू था, जब अभी ये स्ट्रगल उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तभी भी ये पर्सन इनके आजू बाजू है। हाँ, ये कहिए कि रिश्ते की जो गहराई है वो बढ़ती गई है। इस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी कुछ भी बोलता है तो वो चीज़ आपके पार्टनर एक्सेप्ट करने को या सुनने को रेडी नहीं रहते हैं। समवेयर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि थर्ड पार्टी भी एट टाइम्स गलत हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि इनके मन में ना एक चीज़ आ गई है कि इन्हें जो खुशी अपनी ज़िंदगी से चाहिए थी, जिस टाइप का परिवार चाहिए था, जिस टाइप की हैप्पीनेस चाहिए थी, वो इन्हें इस पर्सन से मिलता है। तो आप लोग चाहे जितना भी ट्राई कर लो, इन लोगों के रिश्तों में काफ़ी मतलब समझाना बहुत मुश्किल है कि हाँ थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो गो रॉन्ग। और इन्होंने अपने ही दोस्तों को अपना दुश्मन समझ लिया है, अपने ही अच्छे लोगों को के अगेंस्ट खड़े होने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि इनका जो भी तरीका है चलने का, ओके, या इन्होंने किसी ना किसी की तो मैरिज इम्पैक्ट करी है, इसमें से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, दोनों मैरिड हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे से भी मैरिड हो सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को तो इन लोगों ने मिल करके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कि थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को किसी पर्सन के लाइफ से टोटालिटी में निकाल दिया या उस पर्सन को वेटिंग में छोड़ दिया कि वो आपके पार्टनर के लिए एक तरीके से बस और बस वेट करते रहे। ओके, तो मुझे ओवरऑल एक जो एनर्जी नज़र आ रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कि इन लोगों में आपसी दोस्ती बहुत ज़्यादा है, ये लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स टाइप के हैं। ओके, बहुत ज़्यादा फ्रेंड वाली एनर्जी पे मुझे नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड इन लोगों के अकॉर्डिंग ये लोग एक दूसरे के दुख और सुख में खड़े भी रहते हैं, जान पहचान काफ़ी समय से है। और कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन से आपके पार्टनर के लाइफ में जो लोग इम्पॉर्टेंट रहे हैं या जो मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, तो उन पे भी इनका ध्यान नहीं रहेगा, उनको लगेगा हाँ ठीक है अभी ये थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी लॉयल है, मैं इसके भरोसे पे इस पर्सन को छोड़ सकता हूँ। या अगर आपके पार्टनर खुद किसी के बच्चे हैं तो वो उन लोगों को रिस्पेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। जैसे देखिए किसी से भी लड़ सकते हैं, कितने भी वायलेंट हो सकते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो ऐसे कहते हैं ना कि हाँ किसी पर्सन को एकदम से मंत्रमुग्ध टाइप का कर लिया, उस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल रही हैं। बीच में सिचुएशंस इन लोगों में खराब हुए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए थे, मगर एज ऑफ नाउ मुझे कुछ भी खराब नहीं दिख रहा है। एज ऑफ नाउ इन लोगों ने बहुत आपसी तालमेल को बढ़ाने की कोशिश करी है, आपसी रिश्तों को सही करने की कोशिश करी है। ओके, क्योंकि पहले आपके पार्टनर ओपनली बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल रहे थे, अभी बहुत ओपनली एक पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के अगेंस्ट ये खड़े हो गए हैं। आपके पार्टनर जो हैं अपने ही लोगों के अगेंस्ट हैं। इनके लाइफ में अगर आप एक चीज़ देख सकते हो तो कहीं ना कहीं इनको ज़रूर ऐसा लगता होगा आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को कि हाँ सब कुछ कितना अच्छा है, मगर इनके ज़िंदगी में खुशी नहीं है। ओके, ये लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मगर इनकी अलग अलग ज़िंदगियों को देखोगे ना
तो ये लोग काफी आपस में परेशान रहते हैं। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी में से किसी एक पर्सन को लगता है कि ये मेरा आखिरी सहारा है। ओके, और इस रीजन से भी वो इस पर्सन को जाने नहीं देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के अंदर ये बिलीफ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए कि थर्ड पार्टी उनका आखिरी सहारा नहीं है, एंड देयर आर पीपल जो उनकी हेल्प करेंगे या मदद करेंगे। वैसे से देखा जाए ना तो आपके पार्टनर की फैमिली में भी काफ़ी इश्यूज रहे हैं। बहुत लोगों ने जिन्हें उन्होंने अपना समझा, उन लोगों ने इन्हें डंप किया, छोड़ा, तो फॉर दैट मैटर इस वजह से भी आपके पार्टनर को लगता है कि रिलेशनशिप्स डोंट वर्क वेल। ओके, तो वो कहीं ना कहीं इसी पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को कनेक्ट करके देखने लग रहे हैं। ओके, और इसी रीजन से जिन लोगों को प्यार करते भी थे उनके लिए जजमेंटल हो गए। एंड हाँ, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बहुत वियर्ड लगती हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है आपके पार्टनर के पास बुद्धि नहीं है या उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिर भी मूर्खों की भांति वो इस पूरे सिचुएशन में जाते जा रहे हैं, क्योंकि वो एहसान गिन रहे हैं थर्ड पार्टी के कि मेरे उस पर्सन ने मेरे ऊपर ये एहसान किए, तो जब भी उस पर्सन को मेरी ज़रूरत पड़ेगी आई विल गो, और अगर नहीं भी पड़ेगी तो आई विल गो। ओके, तो इस टाइप का एक सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में नज़र आ रहा है। आई होप कि ये जो रीडिंग है वो आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा पाइल है वो बेसिकली होगा हमारा पिंक पाइल, और हम देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं, इसको हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि बस और बस प्रॉफिट और नुकसान देखते हैं। ओके, इनके सपने बड़े बड़े हैं मगर काम बहुत नीच किस्म के, आप कह सकते हो कि हैं बहुत बहुत लो ग्रेड की चीज़ें करने पे ये लोग उतर सकते हैं। समवेयर जो आपके पार्टनर हैं या जो थर्ड पार्टी हैं वो देखने में काफ़ी अच्छे होंगे, इसी रीज़न से उन्हें बहुत जल्दी कोई भी पर्सन पसंद कर लेगा, या वो बहुत शो करने में बिलीव करते हैं कि हाँ मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मुझे कोई भी पर्सन पसंद करेगा या मेरे साथ कोई भी रहना चाहेगा, इस टाइप के सिचुएशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके केस में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप भी काफ़ी हो, मतलब ओके, एक ठीक ठाक एज गैप आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। देखिए, ये लोग आपको दिखा सकते हैं कि हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, हम लोग इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं, मगर इमोशनल कनेक्शन वाली जो चीज़ आप कहते हो वो मुझे नहीं नज़र आ रही है, बिकॉज ये लोग इमोशनली कनेक्टेड होने से ज़्यादा एक दूसरे को एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, एक दूसरे का प्रॉफिट उठा रहे हैं या एक दूसरे का बेनिफिट लेकर के चल रहे हैं कि भाई इसके साथ रहना मेरे लिए बेनिफिशियल है तो मैं इस पर्सन के साथ रहूंगी, या इस पर्सन के साथ रहना मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो मैं नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा, इस टाइप का एक सिचुएशन मुझे नजर आ रहा है। इन दोनों को अपने लाइफ से बहुत ज्यादा कुछ चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा ही कुछ चाहिए। ये लोग कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, ना ही इन लोगों का दिमाग स्थिर रहेगा। ये लोग हमेशा एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, ऐसे ऐसे करके जंप करते रहेंगे। कभी आपके साथ हैं, कभी किसी और के साथ हैं, कभी किसी और के साथ हैं, जहाँ जो प्रॉफिट दिख गया, जहाँ जो अच्छा दिख गया, वैसे से सिचुएशन पे ये लोग चलते चले जाएंगे, वैसे से सिचुएशन पे इन लोगों की एनर्जी जो है वो चलती चली जाएगी। तो समवेयर आप देख रहे हो कि इनका जब काम ख़त्म हो जाता है तो ये अपने लाइफ से लोगों को जाने देते हैं। अगर आपसे काम ख़त्म तो आपको जाने देंगे, अगर थर्ड पार्टी से काम ख़त्म तो थर्ड पार्टी को भी जाने देंगे। समवेयर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव है आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को। ऑलरेडी ये पर्सन हो सकता है कि
इनको देखिए फैमिली का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहेगा। फैमिली में ऑल्दो लोग इनको पसंद करेंगे, केयर भी करेंगे, मगर आपने शायद ऐसा नहीं सुना होगा कि हाँ मेरे फैमिली में कोई मेरी केयर करता है या कोई मुझे पसंद करता है। ये बहुत ज़्यादा पावर ड्रिवन है, बहुत ज़्यादा। इनको अपने ज़िंदगी से एक ही चीज़ चाहिए, वो है पावर, खुद पे भी, सेल्फ पे भी। ये अगर मैरिड है तो अननेसेसरीली थर्ड पार्टी में जा करके अपने वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या अपने घर के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। पहले ये दिल दुखाएंगे और उसके बाद फिर आपको कहेंगे कि मान जाओ, आपको इतना पेन देंगे और उसके बाद फिर वो सारे पेन को हील करने के लिए अचानक से आ जाएंगे। एंड दे डोंट लीव यू टोटली, ये आपको पूरी तरीके से छोड़ेंगे भी नहीं और पूरी तरीके से आपके साथ भी नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे। इनके लाइफ में हमेशा ही कोई ना कोई पर्सन रहता है जिसके अराउंड ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अगर एक रिलेशनशिप में आप इन्हें कंफर्टेबल रहने बोलो तो नहीं। बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं, अपने आप को विक्टिमाइज कर लेंगे, थर्ड पार्टी को भी डार्कनेस में रखेंगे और हो सकता है आपको भी डार्कनेस में रखें। इनको लाइफ में लोग ऐसे मिले हैं जो इनकी केयर करते हैं, मगर उन लोगों को संभाल के रखना कैसे है ये इनको पता नहीं है। ओके, और इसी की वजह से हमेशा लोग इन्हें छोड़ छोड़ के जाएंगे। ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि मैं तो लाचार हूं, मैं तो मजबूर हूं बिकॉज लोग मुझे छोड़ छोड़ के जाते रहे हैं, मगर एक्चुअली अगर इनसे कोई भीख भी मांगता है कि भाई रहने दो या लाइक टू स्टे या थोड़ा समय देते हैं रिलेशनशिप को, तो वो नहीं देना चाहते हैं। वो उस टाइम पे लड़ाई सॉल्व हो जाएगी, हम लोगों के बीच में चीज़ें सही हो जाएंगी बोल करके, या फिर यही सही है आपस में बोल करके निकल जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक लूप में आपको छोड़ करके या जिस भी पर्सन के साथ ये रहेंगे उसको छोड़ करके चले जाएंगे। ये एक साइन है टॉक्सिक रिलेशनशिप का। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है तो लेट मी टेल यू, नो, नो मीन्स अ नो। ये किसी के लिए डेडिकेटेड नहीं हो सकते हैं, ये बस और बस अपने लिए डेडिकेटेड है। अगर अपने लिए इन्हें पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो ये लड़ सकते हैं, मगर किसी और पर्सन के लिए लड़ना हो तो नहीं लड़ सकते हैं। फायदा देखते देखते इतना ज़्यादा फायदा देखने में बिजी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं नॉलेज, पावर, क्या बिल्ड किया क्या नहीं किया, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके बस पैसा 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 इन सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोगों के प्यार पे अगर आप भरोसा करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ गलत करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम अगर इन्हें समझाया जाए, देखिए समझाने से क्या होगा, समझाने से थोड़े समय के लिए आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे, उसके बाद फिर से आपकी ज़िंदगी वहीं आके खड़ी हो जाएगी जहाँ पे थी। ये आपको तो अजीबो तरीके के चीज़ें बोलेंगे, तुमने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं किया इसलिए वैसा नहीं हुआ, मगर खुद कभी इमोशनली सपोर्ट करने के लिए खड़े नहीं रहेंगे। लेट मी टेल यू, ये थर्ड पार्टी के साथ भी बस और बस अपने फिजिकल और अपने पर्सनल नीड्स के वजह से हैं, अपने पर्सनल नीड्स के वजह से। इनको दुख हो रहा है ये किसी से बात करेंगे, इनको दुख नहीं हो रहा है ये बात नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप को ये झूठी मूठी बातें बोल रहे हैं, उसी तरीके से हर कंपेनियनशिप में ये झूठी बातें कहते आए हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल चाहिए। अगर आप इनके साथ रहोगे तो आपके लाइफ का पूरा कंट्रोल चाहिए, कोई और इनके साथ रहेगा तो उस पर्सन के लाइफ का पूरा पूरा कंट्रोल इस पर्सन को चाहिए। ओके, ना किसी की सुनते हैं, ना लॉयल्टी देखते हैं, ना अनलॉयल्टी देखते हैं, पूरे तरीके से अपने हिसाब से चलने वाले लोगों में से हैं। इनका क्या है ना कि ये जिस को भी छोड़ेंगे उन सब का वेट करेंगे। ओके, उन सबको कम्प्लीटली नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उनसे किसी ना किसी टाइप का कॉन्टैक्ट या उनके बारे में सोचते रहना या उनकी बुराइयां निकालते रहना, या उसने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, या तब मेरे हालात ऐसे नहीं थे इसलिए मुझे एंड करना पड़ा। फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, मगर हमेशा आप इनकी बातों में मेरी फैमिली ये, मेरा घर ऐसा, मेरे लोग ऐसे, ये सब सुनोगे। एडजस्टमेंट्स तो आपको इतने करने पड़ेंगे कि शायद आप एडजस्टमेंट कर कर के थक जाओ, मगर कुछ होने नहीं वाला। तो अगर आप देखते हो ना कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, तो
इस चीज से फूल मत होइएगा कि उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है या बहुत एक दूसरे की केयर करते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी केयर करता हो या करती हो, मगर यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें जो भी मेल है, अगर आपके पार्टनर मेल है तो वो गलत है, या जो भी डोमिनेंट है, जो भी डोमिनेंस रखता है, या अगर मान लीजिए आपके पार्टनर फीमेल है मगर वो बहुत डोमिनेटिंग है तो वो गलत है। जो भी इसमें डोमिनेटिंग एनर्जी पे है, जो भी स्ट्रांग है, जो भी डोमिनेट कर पा रहा है सिचुएशन को, वो पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। ओके, वो किसी भी पर्सन को तभी तक अपने जिंदगी में रखेंगे जब तक कि वो पर्सन इमोशनली इन पे बर्डन ना बनने लगे। पहले ये लोगों को अपने जिंदगी में लेते हैं, फिर अपने लोगों को वहां से निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी वही सारी चीजें फेस कर रहे होंगे जो आपने करी हैं। ओके, थर्ड पार्टी और इनके बीच में ऊपर ऊपर से आपको ऐसा लग सकता है देख के कि काफी अच्छा और गहरा संबंध है, मगर इट्स ऑल अबाउट नीड। ये एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप है। जब तक आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी को कोई और बेहतर नहीं मिल जाता तब तक ये रिलेशनशिप चलेगा, अदरवाइज इस रिलेशनशिप का अपने आप में कोई वजूद नहीं है, ये एंड हो जाएगा। तो वॉट एवर इज गोइंग ऑन बिटवीन योर थर्ड पार्टी एंड योर पार्टनर, इट विल एंड। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।